हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव शिक्षा ट्यूब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 64। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर अभी तक 63 प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी के डाल चुके हैं हम। इसके साथ हम करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन डाल चुके हैं। तो दोस्तों, सुबह का प्रैक्टिस सेट 6:30 बजे हम अपलोड कर देते हैं जो रेलवे ग्रुप डी का होता है, और शाम को 4 बजे हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, तो क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर टू, कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी रहेगा आपका पोटेशियम और ऑप्शन डी रहेगा आपका सोडियम। तो दोस्तों, इसमें भी आंसर होगा कैल्शियम, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रश्न सही हो रहा है उसको एक नंबर देते जाइए, जो गलत है उसको 0 मार्क्स। लास्ट में टोटल कर लेंगे कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, भोजपत्र उत्पन्न होता है, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है सिनकोना की छाल से, ऑप्शन बी है डलबर्जिया की छाल से, ऑप्शन सी है बेटुला की छाल से और ऑप्शन डी रहेगा आपका पाइपर की पत्तियों से। तो दोस्तों, भोजन पत्र है जो बेटुला की छाल से प्राप्त होता है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी बेटुला की छाल से। क्वेश्चन नंबर फोर, फूल गोभी मतलब कॉलीफ्लावर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है पत्तियां खाई जाती है, या ऑप्शन बी है पुष्पक्रम, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी रहेगा वनस्पति कलिका। तो दोस्तों, फूल गोभी में हम पुष्पक्रम को खाने में उपयोग लेते हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर फाइव, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन ए रहेगा एंगलर को, ऑप्शन बी रहेगा लिनियस को, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका अरस्तु को और ऑप्शन डी रहेगा आपका लेमार्क को। तो दोस्तों, वर्गीकी का, याद रखिएगा, वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है कार्ल वान लिनियस, कार्ल वान लिनियस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वनस्पति केंद्र केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है कवकों में, ऑप्शन बी है लाइकेंस में, ऑप्शन सी है जीवाणुओं में और ऑप्शन डी है हरे शैवालों में। तो दोस्तों, वास्तविक केंद्रक है जो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा, जीवाणुओं में नहीं होता वास्तविक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर सेवन, दूरबीन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है गैलीलियो को, ऑप्शन बी है गुटिनबर्ग को, ऑप्शन सी है एडिसन को और ऑप्शन डी है ग्राहम बेल को। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए गैलीलियो को। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचंबकीय है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इनमें से प्रकृति में अनुचंबकीय है ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑक्सीजन है। अब मैं आपको अनुचुंबकीय की परिभाषा बताऊंगा, फिर और भी जो चीज़ें होती है जो अनुचुंबकीय है उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ, लिख लीजिए इसको कहीं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। इनके उदाहरण है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, अनुचुंबकीय के उदाहरण बता रहा हूँ, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम, ठीक है, याद रखिएगा, इनको कोई भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नाइन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी है ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी है आर्बोरिकल्चर और ऑप्शन डी रहेगा सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर टेन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी रहेगा उत्तल लेंस और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों अवतल दर्पण।
तो दोस्तों जो लेंस का पूछा है तो इसका आंसर रहेगा निकट दृष्टि के लिए पूछा है तो अवतल लेंस होगा, और दूरदृष्टि का भी पूछ लिया जाता है वो भी पढ़ लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, बहुत इजी हैं बट आने की संभावना नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्शन किससे बना होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैल्शियम से, ऑप्शन बी है क्लोरीन से, ऑप्शन सी है आयोडीन से, और ऑप्शन डी रहेगा आपका प्रोटीन से। तो दोस्तों मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्शन है वो प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिना वगैरह से बहुत कम आ सकता है, मतलब आने की संभावना कम है क्योंकि टफ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का प्रयोग होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाइडरिया का, ऑप्शन बी है ग्लूबुलिन का, ऑप्शन सी है गठपेरनी, और ऑप्शन डी रहेगा पतान। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, याद रखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आंख को रंगीन दिखने योग्य कौन सा हिस्सा बनाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आयरिस, ऑप्शन बी है फेरिटिया, ऑप्शन सी है ग्रासिका, और ऑप्शन डी है नेत्रक। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए आयरिस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी रहेगा आपका खनिज तेल, और ऑप्शन डी रहेगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ है, कहाँ पर स्थित किया गया है? इसको कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जल विद्युत शक्ति केंद्र प्रथम पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी रहेगा मंडी, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों शिव समुद्रम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिव समुद्रम। ठीक है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी रहेगा दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों मुंबई में, और ऑप्शन डी रहेगा चेन्नई में। तो दोस्तों भारत में विद्युत आपूर्ति है जो दार्जिलिंग में सबसे पहले शुरू की गई थी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 17, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिनल किससे बना होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैल्शियम से, ऑप्शन बी है विटामिन ए का अल्डिहाइड हाइड से, और ऑप्शन सी है आयोडीन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो रेटिनल होता है वो विटामिन ए का अल्डिहाइड से बना होता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकते हैं, टफ क्वेश्चन है थोड़े। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, और ऑप्शन डी है मिजोफिल कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जल। क्वेश्चन नंबर 19, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी रहेगा तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, और ऑप्शन डी है पांचवा। तो दोस्तों भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में पांचवा स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है पाश्चर ने, और ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैंने एक दो दिन पहले करंट अफेयर्स का भी एक मई का वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। यूपी पुलिस का भी डेली आ रहा है, जो स्टूडेंट यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। साथ में मैं ऐसे भी डाल रहा हूँ जो एसएससी एमटीएस टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।